कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मैं तो ईद हूँ तुम्हारा आशिक, सिर्फ अपनी बातें करो, अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क के सुहागनों को विधवा बना दे, मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे, मैं सुहाग के चुनरी को अपनी आंखों में लपेट लूं, ताकि लाशों की ढेर नजर ना आए, इन जोड़ों की नजर ना हो, कि ये तीन बच्चों की चीखें सुनाई न दे, यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे, मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूँ। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना। रोशन आरा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। नहीं मदद, हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है, मेरा साथ दे रोशन आरा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हो? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा, इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहाँ के रहने वाले किस मजहब के हैं, वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुरान अलग है और पाकिस्तान के मुसलमानों का अलग? अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन है तो मैं तेरे दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि मैं तेरा प्यार हूँ। नहीं, प्यार का वास्ता देके मुझसे गद्दारी की उम्मीद मत रख, मजहब की आड़ लेके सरहद की जंग मत लड़। अरे रोशन आरा बेटी है एक मुसलमान की, जिसे पहचान है अपने ईमान की, प्यार तो क्या जहाँ तक लुटा दूंगी, मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान। ये क्या कर रही है तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। रोशनी आगे मत बढ़। रोशनी थी, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा।